हेलो फ्रेंड्स, आपकी खबर सीरियल अनुपमा को लेकर। अनुपमा की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा वनराज, अनुज को होगा अपनी गलती का एहसास। टीवी शो अनुपमा के 27 मार्च के एपिसोड में आप देखेंगे कि शाह परिवार का हर सदस्य अनुज और अनुपमा का रिश्ता टूटने और उनके घर छोड़कर जाने की वजह से परेशान है। हालांकि शाह परिवार में एक शख्स ऐसा भी है जो खुश है कि अनुज कपाड़िया भी उसी की तरह गलत साबित हुआ है। उनसे भी अनुपमा को ठेस पहुंचाई गई और मुश्किल वक्त में उसने उसका हाथ छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं वनराज शाह के बारे में। मंदिर में मिलते मिलते रह गए अनुज अनुपमा। शो के इस खास एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जहां शाह परिवार में हर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वहीं वनराज शाह कुछ और ही सोच रहा है। अनुपमा भटकते हुए एक मंदिर में जा पहुंचेगी जहां पर वह अनुज कपाड़िया से लगभग मिलने ही वाली होगी, लेकिन आरती के वक्त पीछे से वनराज शाह उसके कंधे पर हाथ रखेगा। वनराज देगा अनुपमा को ये घटिया ऑफर। अपने एक्स हस्बैंड को ऐसे हालात में अपने सामने खड़ा देखकर अनुपमा शॉक रह जाएगी, लेकिन वह वनराज शाह अनुपमा से जो कुछ कहेगा उसे सुनकर न सिर्फ अनुपमा बल्कि दर्शकों को भी बहुत गुस्सा आएगा। वनराज शाह अपनी एक्स वाइफ से कहेगा, मैंने गलती की कि तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब अनुज भी तो वही कर रहा है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ। अनुज कपाड़िया को होगा गलती का एहसास। वनराज शाह इनडायरेक्टली फिर एक बार अनुपमा को अपनी पत्नी बनने का ऑफर देगा, मगर इतने विषम हालातों में मानसिक तौर पर टूट चुकी अनुपमा वनराज शाह का हाथ झटक देगी। अनुपमा वनराज शाह से कहेगी, नहीं जाऊंगी मैं आपके घर। अनुपमा वनराज शाह से कहेगी कि वह उसे अनु कहने की गलती ना करे और अनुपमा नाम से ही पुकारे। उधर अनुज कपाड़िया को भी सड़कों पर भटकते भटकते अपनी गलती का एहसास होगा और उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा जो उसे बताएगा कि वह अपनी बेटी को खोने की गलती अनुपमा के सिर पर डाल रहा है। तो ये थी सीरियल अनुपमा की लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।